सिंची में खड़ा हूँ और आज का दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन का है और जहाँ पर दिशा निर्देश हैं दफ्तरों में और संडे का दिन है लेकिन दिशा निर्देश कितना फॉलो हो रहे हैं, जहाँ पर आरोग्य मेले जैसे आयोजन किए जाएं सब कुछ होए लेकिन स्टॉल सजाए जाएं लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार फॉलो नियम करते नहीं नज़र आए जो सवालिया निशान खड़े करता है जिम्मेदारों पर। यह रोसा सेची की तस्वीरें हैं जहां पर श्योता के विधायक पूरी तरीके से अपने विधानसभा में जगह जगह पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर रहे हैं जन्मदिन मनाकर और मीटिंगें कर रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन ये रोसा सेची हमेशा यहां के जिम्मेदार किस कदर से निभाते हैं, आइए आगे हम आपको मिलाते हैं और पूरी तस्वीरों में दिखाते हैं अंदर की, जो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया लेकिन वहीं पर इसके साजिंदा जो हैं जिम्मेदार वो किस कदर से फॉलो कर रहे हैं ये उनकी कलाई खोलती है और आप देख सकते हैं। पांडे जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ रोसा सेची आए थे, ज़रूर कोई समस्या होगी, कैसे आए थे? अरे दवा ले यार हम तो यहाँ क्या सुना था, यहाँ मेला था तो मेला है ही नहीं। हाँ कुछ नहीं है, जिम्मेदार अधीक्षक वगैरह मिले कुछ? कोई है नहीं। आप पूछो नहीं कहाँ है आप, शिकायत मिले रहे हैं। अच्छा और कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह मेले जैसी कोई दिखाई नहीं, व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं ये है आलम, अधीक्षक भी नदारद हैं, अगर कोई कहे अपनी अपनी बात कहे तो। अधीक्षक रूम में लटक रहा ताला, आज है प्रधानमंत्री का जन्मदिन, जगह जगह पर मनाया जा रहा लेकिन अधीक्षक नदारद, ये इनकी जिम्मेदारी बखूबी कितना साजिंदा है ये प्रदर्शित करता है, जबकि आदेश है कि आज संडे के दिन भी जिम्मेदार अपनी कुर्सी पर मिले। और रोसा सेची में लोगों का सहयोग करते हैं, काफ़ी बात करते हैं, वो रोसा अस्पताल में मिल गए और ऊपर वाले की काफ़ी मेहरबानी रही कि डेंगू की चपेट में आ गए थे लेकिन स्वस्थ हैं काफ़ी इलाज करने के बाद। आज यहाँ प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और ईशान भव पखवाड़ा, आज यहाँ पर मेला भी लगने की बात आ रही थी और यहाँ पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम भी है लेकिन यहाँ पर सीएससी अधीक्षक नहीं दिख रहे हैं। तो इस मौके पर नहीं दिख रहे हैं ये बड़ी बात है। आप जैसा कि देखा पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी डॉक्टर सुनील यादव निभाते नजर आए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और अपने आप उन्होंने जितना हो सका उतना किया भी और फॉलो किया और उनके नियमों का फॉलो करते हुए पूरी तरीके से तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन हम एक बात और करेंगे डॉक्टर साहब कि यहाँ पर इसके प्रभारी जो हैं विकास मिश्र, जो कि आज का नियम और कानून भी आदेश भी थे दिशा निर्देश भी थे लेकिन उनकी कहीं भी तस्वीर नहीं दिखी, जो इतनी बड़ी रोसा सेची में जहाँ चहल पहल होना चाहिए, आरोग्य मेले का भी आयोजन आज सुनने में आया था, कई लोग भटकते भी नजर आए, आखिरकार उनको आपने संभाला लेकिन उनकी तस्वीर आज और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अनुपस्थिति होना, कक्ष में ताला लटकना कमरे से लेकर के और अधीक्षक रूम में, लेकिन ये बड़ी बात होती है, क्या उनके लिए कोई नियम और कानून फॉलो नहीं तो उनकी तस्वीर नहीं दिखी, वो कहाँ है? इसलिए क्या है, उन्होंने मेरे को बताया उसके दिशा निर्देश अनुसार मैंने काम किया, अब इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पे है। जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरी तरीके से कि वो आदेश सिर्फ करते हैं लेकिन अपनी मौज मस्ती में मस्त रहते हैं लेकिन भारत सरकार के नियम और कानून प्रधानमंत्री के कोई भी माने नहीं रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरों में डॉक्टर सुनील ने किस कदर से उनके सपनों को साकार किया है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आदेश करते हैं, आज उनके लिए संडे का दिन बहुत बड़े माने रखता है लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री या इस रोसा सेची में जहाँ पर चहल पहल होना चाहिए था, आरोग्य मेला का होना चाहिए था लेकिन कहीं भी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आखिरकार सुनील डॉक्टर ने काफ़ी मोर्चा संभाला है लेकिन जिस हिसाब से चाहिए जो दिशा निर्देश थे वो नहीं दिखे, पूरी तरीके से ये सवालिया निशान खड़े करता है यहाँ के शिक्षी प्रभारी जो हैं विकास मिश्र पर कि किस कदर से वो साजिंदा हैं, उनके लिए नियम और कानून कोई माने नहीं रखता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और सरकार के। आप देख सकते हैं कहीं भी तस्वीर उनकी नज़र नहीं आ रही है, ये है आलम रोसा सेची का, किस कदर से बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस कदर से साजिंदा हैं, वाह ये है नियम और कानून कि किस कदर से वो फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पर जब उनके फ़ोन नंबर पर बात की गई तो फ़ोन बेल जाने के बाद विकास मिश्र जिम्मेदार प्रभारी ने उठाना मुनासिब नहीं समझा, शायद उनको शंका हो गई, कहीं ना कहीं कुछ सवालिया निशान और प्रश्न
उठ सकते हैं, इस वजह से वो नहीं उठाया, ये भी एक सवालिया निशान खड़े करता है। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूँ प्रेम वाजपेयी, टूटी फूटी आवाज़ में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खबर आपकी, कवरेज हमारी। इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल कैमरे के माध्यम से कि मैं रेवसा सेठी में खड़ा हूँ, जहाँ पर आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जगह जगह पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। उसी उपलक्ष्य में सीएसटी में तैनात डॉक्टर और लाभार्थियों को जन्मदिन मनाकर कुछ लाभान्वित करेंगे। आयुष्मान कार्ड जैसा कि हम दिखाते हैं, जहां पर खड़े हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लिखा है, और यहां पर आगे हम दिखाते हैं क्या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर यहाँ पर तैनात, और कितने लोगों को लाभान्वित करते हैं और क्या लाभ देते हैं। पूरी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। पूरी कुछ बातचीत के अंश भी होंगे कि डॉक्टर किस उपलक्ष्य में मनाए रहे हैं और क्या है पूरी जानकारी। जैसा कि मेरे को शिकायत हुआ उस हिसाब से मैंने बात जानकारी दी, अब मैं दिखाता हूँ आगे। ये है लाभार्थी, इस कार्ड से दवा सबको नहीं मिलती है। इस कार्ड का महत्व तब है जब आप घर भर्ती हुए, लंबी बीमारी हुई, जो आपका मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो इससे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो है अपडेटेड है, जिनको छुट्टी मिली है, वहाँ पे आप जैसे ऑपरेशन वगैरह जा रहे हैं, लंबी बीमारी का जो इलाज भर्ती होने के बाद जो 2.5 लाख रुपया तक का खर्चा आता है, बिल्कुल इस कार्ड को दिखाना चाहते। जैसा कि आप लोगों ने देखा डॉक्टर सुनील के द्वारा पूरी तरीके से लाभान्वित कर उनको समझाया गया क्या क्या लाभ होंगे, या समझाया मरीज से भी पूछा तो उसने भी इसकी जानकारी होते हुए बताया कि ये लाभ होगा। सर आ जाइए। इतना ही नहीं, आगे देखें चैनल के मुताबिक हमारे कि फल भी वितरित किया डॉक्टर सुनील, और उनके साथ में एलटी हैं यहाँ पर नितिन वाजपेयी जो कर्मचारी हैं, और आयुष्मान की जो कार्ड की यहाँ पर रूपरेखा तैयार करके लोगों को कार्ड उपलब्ध कराते हैं, ये भाई साहब टी शर्ट में दिख रहे हैं, और केला फल भी वितरित किया। काफ़ी सुंदर व्यवस्था प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर। थोड़ा सा हम अपने चैनल के साथ रूबरू कराते हैं डॉक्टर सुनील यादव से, और साथ में हैं नितिन वाजपेयी एलटी जो खून और हर चीज़ की जांच करते हैं, यहाँ पर बेहतर सेवा देते हैं। जैसा कि जानकारी में हमने पहले बताया जहाँ तक मेरे को जानकारी थी, लेकिन अब हम थोड़ा बात करते हैं डॉक्टर सुनील से कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर फल वितरित किए गए और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए और ये किस उपलक्ष्य में है, चार शब्द गागर में सागर भरने का काम करेंगे। ये हमारे आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, और उसके उपलक्ष्य में जो उनकी योजनाएँ चल रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें आयुष्मान कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके बारे में जो है जागरूकता फैलाना और जो लाभार्थी हैं उनको कैसे कैसे लाभ मिले इसके विषय में बताना। लेकिन एक चीज़ और हम जानकारी करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि काफ़ी लोग भ्रमित होते हैं, कार्ड तो दे दिए जाते हैं लेकिन वो शोपीस बनकर रह जाते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाते, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा, किस स्थानों पे होगा, ये सब इसमें चिन्हित है क्या? हाँ, ये चिन्हित है, उनको बताया भी जाता है, और हमारे यहाँ जो डेटा ऑपरेटर है जो जिस आयुष्मान कार्ड के लिए बनाए गए हैं उनके द्वारा जो है पहले उसको खोला जाता है। आदमी क्या करते हैं कि कार्ड तो बनवा लिए लेकिन वो सीएससी पे आके उसको जो है एक जो है उसको चालू नहीं करवाते। ये चालू हालत में है जो दिए गए, जो दिए गए वो चालू हालत। अच्छा, ये कितने लाख रुपए तक इसको मरीज को फायदा होगा? 5 लाख रुपए तक का हर साल, हर प्रतिवर्ष जो है इनको लाभ ले सकते। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बेहतर जानकारी दी, लोगों को समझा कर और फल भी वितरित किए उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर, और काफी एक भारत सरकार की भाजपा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लाभान्वित किया, अच्छी जी बेहतर जानकारी देकर, और बेहतर जगह जगह पर धूम रही। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पे आज ये कार्यक्रम हुए, किन किन पार्टियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया जी। और पीछे खड़े हैं इनका, ये पंकज गोस्वामी हैं जो कि आयुष्मान का कार्ड देखते हैं, और काफ़ी यहां तक कि आपको बता दें कि लोगों को फ़ोन करके घर से बुलाकर कार्ड देते हैं, उनको बेहतर सेवा दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, ऐसा जानकारी में आया। और यहाँ पर उनकी तस्वीर देखी गई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, और यहाँ पर पूरी तरीके से
आयुष्मान कार्ड लोगों के द्वारा बनाकर वितरित किए गए हैं इनके द्वारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि पैथोलॉजी कक्ष है और ये खुला हुआ है, यहाँ पे उपस्थित हैं लोग, यहाँ पे जांच पड़ताल होती है। आज संडे का दिन है और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यहाँ पे ये जांच करते उपेंद्र आ रहे हैं, अपने ड्यूटी पर संभाले हुए हैं। ये दंत कक्ष है जहाँ पर कुर्सी खाली पड़ी है और खुला है लेकिन जिम्मेदार नदारद आ गए, दौड़ के आ गए। वो कहीं किसी काम से थे किसी रूम में अस्पताल में ही, कुर्सी तो खाली थी लेकिन तत्काल वो उपस्थित हो गए, ये बड़ी बात है। आयुष्मान कार्ड में यहाँ पर उपस्थित हैं, आज संडे के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर रहे हैं। एक्सरा रूम है जहाँ पर अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को। रवसा शेष्ठी की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा दिख रहा है। आज कौन कार्यक्रम? स्वास्थ्य मेला। तो यहाँ मेला कहीं मिला? दिख नहीं रहा, मेला के जिस हिसाब से होना चाहिए कहीं दिखा नहीं। अभी आप इधर उधर भटक कर पूछ भी रही थी कि हमको बुलाया गया था, उसके बावजूद कहीं कुछ दिखा तो नहीं मेला के रूप में। ये अभी इसके पहले थोड़ा सा इस बात को जिक्र किया था। आप क्या हैं यहाँ अस्पताल में? आशा हैं। कहाँ की आशा हैं? हरदत्तपुरवा की। पहले तो सच्चाई के लिए मुँह खोला इन्होंने, लेकिन क्योंकि इनको बताया गया था स्वास्थ्य मेला लगेगा जिम्मेदारों को, क्योंकि दिशा निर्देश थे भारत के प्रधानमंत्री के आज, लेकिन यहाँ पर इनको यहाँ पर मेले जैसा कुछ नहीं, केवल बोर्ड बैनर मिला और आखिरकार डिस्कस भी की डॉक्टर सुनील से, लेकिन आखिरकार में स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित होने के कारण थोड़ा सा दुबक गई, सच्चाई नहीं बता पाई। लेकिन हकीकत में इनके अनुसार ये यहाँ पर स्वास्थ्य मेला नहीं देखा जा रहा है पूरी तरीके से। एसी की तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको हम दिखाए अंदर से बाहर तक, जहाँ आज धूमधाम से जन्मदिन लोग मनाते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं। वहीं पर श्योता के विधायक भी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जगह जगह पर जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेवसा शेष्ठी में आप देखेंगे हमारे चैनल के मुताबिक कि पूरी तरीके से जिम्मेदार नदारद हैं शेष्ठी विकास रेवसा प्रभारी, कहीं भी तस्वीर उनकी नहीं दिख रही है और बोर्ड केवल लगा हुआ है मात्र। हम आए हैं अधीक्षक कमरे पर जहाँ पर भी दिखाते हैं कि ताला लटक रहा है, यहाँ भी अनुपस्थित हैं और संडे का पूरा आनंद ले रहे हैं, जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा जहाँ तक पूरा आज के दिन संडे के दिन दिशा निर्देश थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, लोग जगह जगह धूम मना रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे, फलों का वितरण कर रहे थे, लेकिन वहाँ रेवसा शेष्ठी में किस कदर से साजिंदा हैं जिम्मेदार यहाँ के प्रभारी, ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। कहीं भी तस्वीर उनकी नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर डॉक्टर सुनील ने मोर्चा संभालते हुए रस्म अदायगी के तौर पर यहां पर कार्यवाही की गई है आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी पर, जबकि श्योता के विधायक ने पूरी तरीके से क्षेत्र में उपस्थिति अपनी दर्ज कराकर प्रधानमंत्री के सपनों को और उनकी उपलब्धियों को गिना रहे हैं जगह जगह पर। लेकिन रेवसा शेष्ठी की ये जिम्मेदार किस कदर से साजिंदा हैं और अपने ड्यूटी के प्रति और फॉलो करते हैं नियमों को आदेशों को, ये आप तस्वीरें बयां करती हैं। लेकिन उनके लिए छुट्टी आज अंग्रेज़ों का दिन जो है संडे, वो बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन यहाँ पर ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके दिशा निर्देश कोई भी मायने नहीं रखते।